फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे नेचुरली ओनेस्ट एंड डायरेक्ट होते हैं। एज ए टीचर हम उसको रिकमेज करें उनके ओनेस्टी को, उनके ट्रुथ बोलने को, इतना करके हम रीइन्फोर्स कर रहे हैं कि ये एक डिजायर्ड बिहेवियर है जो आपसे ये सोसाइटी या पेरेंट्स से अच्छा मानते हैं। इसी घटना NCF में एक कोट किया हुआ है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वो अपने बच्चों को डेली होमवर्क दे रहे थे बात करने, तो एक बच्चे के ने देखा उसकी काफ़ी बहुत होमवर्क नहीं था, किसी ने सोचा क्या मैंने तुम्हें होमवर्क नहीं दिया, उसे जाने देते हैं। अगले वीक में फिर वही नंबर होता है, उसकी कॉपी में कोई होमवर्क ही नहीं था। तो टीचर को डाउट होता है कि मैं होमवर्क देता हूँ पर इसकी कॉपी में कोई होमवर्क है ही नहीं, तो उससे पूछते हैं कि मैं होमवर्क देता हूँ आपको कॉपी में कोई होमवर्क ही नहीं है, क्यों ऐसा है, कहाँ जाता है वो होमवर्क। बच्चा ऑनेस्टली बताता है कि जो आप मुझे होमवर्क देते हो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मैं नहीं कर सकता हूँ इसलिए मुझे फाड़ देता हूँ। तो टीचर उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होते हैं उसकी ऑनेस्टी से और कहते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से मुझे बताया तो मेरे लिए बहुत अच्छा फीडबैक है, मैं आपको हल्का होमवर्क दिया करूँगा सिंपल जो आप कर सको, तो आप करके लाओगे। तो बच्चा प्रोमिस करता है कि आप मैं करके लेके आऊँगा। इस तरह से आप टीचर ने उसको अपना होमवर्क चेंज किया और बच्चा वो करके आने लगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ यहाँ पे जनरल एनवायरमेंट में क्या, और हम उम्मीद करते कि होमवर्क नहीं मिला है पनिशमेंट देते स्कोल्ड करते, पर टीचर ने अगर उस पर भरोसा दिखाया बच्चे के ऊपर और जानने की कोशिश की और महसूस किया कि दिक्कत कहाँ थी, कि प्रॉब्लम बात डिफिकल्ट होमवर्क दे रहे थे जो बच्चा नहीं कर पा रहा था, और अपने आप तुरंत चेंज किया और वो चेंज उसके बिहेवियर में चेंज आने लगा। तो बड़ी चीज़ क्या थी, होमवर्क ज़्यादा जो वैल्यू जो ट्रुथफुलनेस थी उसको ज़्यादा टीचर ने वैल्यू दिया यहाँ पे। हमें देखना होता है कि हम किसको ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, NCFC कोट कर रहा हूँ, जो उसमें लिखा हुआ है एक बच्चा होता है वो स्कूल नहीं आ रहा होता है, अपनी मम्मी से जिद कर रहा होता है, तो फ़ोन लगा देते हैं। वो कहता है सर ये फ़ोन नहीं आ नहीं रहा है, आप इससे बात करो क्यों नहीं आना चाह रहा स्कूल में। वो कहते ठीक है बात कराओ। पूछते बेटा क्यों नहीं स्कूल आना चाह रहा, टीचर से पूछते हैं। वो कहते पापा ने मुझे प्रोमिस किया था सूज दिलाएंगे, इन्होंने सूज में दिलाया नहीं है, अब बिना सूज के मैं आऊँगा नहीं। थोड़ी देर रुकते हैं, सोचते हैं क्या जवाब दें, तो कहते हैं कि अच्छी सूज तो ले लेना, तुम्हें सूज लेना है ना, हमारा लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक के टाइम में जाकर सूज ले आना, आप न्यू सूज आपकी क्लास मिस नहीं होगी तो आप क्लास भी कंटिन्यू कर पाओगे। उसको बात समझ में आ जाती है और टीचर भी बताया कि उसने मुझे सच बताया, वो स्कूल आता है और लंच ब्रेक में आपका सूज लेकर आता है। तो बच्चों के साथ इस तरह के हमें आत्मीय संबंध की जरूरत होती है कि वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएं और उन पर ट्रस्ट है कि आप उन प्रॉब्लम का राइट सोल्यूशन दोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और हम NCF से कुछ बात करेंगे। चैनल कीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन को ऑन, क्योंकि NCF 2022 के मैं छोटी छोटी क्रिस्ट को आपके सामने इस तरह अनफोल्ड करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।